सो मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबको? सर विजिबल है। और सो क्वेश्चन रीड कर लें फिर देखते हैं क्या करना। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा तो क्वेश्चन सबने रीड कर लिए? जी सर। सर रीड कर लिया। तो कोई बताएगा क्वेश्चन क्या? सर मैं बताऊं। जी सर श्योर। सर इसमें हमने हमारे पास जो है ना नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं और पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास टारगेट है। अब इसके अंदर हमने करना क्या है, हमें टारगेट नंबर दिया है जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 में 7 दिया है और हमारे पास लिस्ट है। ठीक है, तो उसके अंदर से हमने बताना है कि 7 कैसे आएगा टारगेट नंबर, और हमने बतानी के सबसे मिनिमम लेंथ की जो सब वे है जो कि हमें 7 दे सकती है। मींस दैट के 7 आने के ना डिफरेंट वेज हैं। फॉर एग्जांपल 2 प्लस 3 5 और 5 प्लस 2 7। ठीक है, इसके अंदर हमारी जो सब एरे है वो हमारी बनेगी 3 के ऊपर, उसकी उसकी लेंथ होगी 3। लेकिन इसका एक और वे भी है जिसमें हम 4 प्लस 3 कर सकते हैं, तो ये 7 आ जाएगा। मतलब कि हमारे पास शॉर्टेस्ट जो है वो उसकी सब एरे जो है उसकी लेंथ होगी 2। इस तरह एग्जांपल 2 में चले जाएंगे, उधर उसने टारगेट दिया 4, हमने 4 बनाना है और हमारे पास सब एरे में 1 और 4 है। तो हम इसे कैसे दे सकते हैं, हमारे पास सिंगल एक सब एरे बनेगी क्योंकि 4 ऑलरेडी इसमें है, तो हम 4 की लेंथ दे देंगे क्योंकि मिनिमम लेंथ जो है ना वो 1 है। ठीक है, इस तरह हम थर्ड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। उसके अंदर उसने टारगेट दिया हमें 11 और ये जो है ना 8 टाइम्स 1 1 लिखा है। मतलब कि अगर इन सब 1 जो वैल्यूज है इनको प्लस भी कर दें तो फिर भी 11 हमारे पास नहीं आता, तो इसलिए उसने हमें 0 दे दिया है। आउटपुट उसने हमें 0 दे दिया है। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली हमने ये करना ये है कि जो टारगेट है ना तो उसकी हमने मिनिमम लेंथ बतानी है जो सब वे हमें वो टारगेट अचीव करके देती है। तो अगर किसी को नहीं समझ आया तो वो काइंडली क्वेश्चन करते हैं। जी सर क्वेश्चन आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। तो हमारे पास ना एक नम्स नाम की एक अरे गिवन है और हमारे पास एक टारगेट गिवन है नम्स का ही। अच्छा हमने रिटर्न क्या करना है, हमने मिनिमम लेंथ करनी है एक सब अरे की। हमारी जो गिवन अरे है उसमें से हमने एक सब अरे को देखना है कि जिसकी मिनिमम लेंथ हो, जिसका जो सम है वो हमारे इक्वल हो हमारे टारगेट के। अच्छा अगर तो हमें हमारे वो टारगेट के इक्वल मिल जाता है तो हम उसको रिटर्न कर देंगे लेंथ को, अदरवाइज हमने जो है वो 0 को रिटर्न करना है। तो जैसे कि अगर एग्जांपल 1 में हम अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक सब एरे बनती है, ये है कि हम 2 को ऐड करें फिर हम चेक करें, फिर 3 को करें तो चेक करें, फिर 1 एंड 2 है। अच्छा ये हमारे पास एक सब एरे आई, हमने इसको चेक किया कि इनको अगर सम करने से हमारे पास टारगेट के वैल्यू इक्वल आ रही है या उससे बड़ी आ रही है या कि नहीं। तो अगर तो आ रही है तो हमने उसके लेंथ को काउंट कर लेना है और फिर आगे भी देखना है कि अच्छा इससे मिनिमम कोई हमें मिलता है कि नहीं मिलता है हमारी जो सब अरे है। तो अगर तो हमें जैसे कि एक एग्जाम्पल में देखेंगे तो अगर हम 4 और 3 इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास टारगेट के इक्वल आता है। तो
इसकी जो लेंथ है हम उसको भी काउंट करेंगे, जो इसकी जो लेंथ आएगी ये आएगी मिनिमम आएगी हमारी इस लेंथ से, तो हमने इसकी वजह से इसकी जो लेंथ है वो रिटर्न कर दी है जो कि है 2। तो क्वेश्चन सबको क्लियर है? अगर किसी को ना समझ आई हो तो एक क्वेश्चन थी। क्लियर है सर। ऑलराइट, सो अब हम इसको देख लेते हैं कि इसको करना कैसे है। हम इसको ऐसे करते हैं कि एक पॉइंटर हम यहाँ पर रख देते हैं जो कि हमारा होगा लेफ्ट पॉइंटर, एक तुम्हारा पॉइंटर यहाँ पर आ गया इनिशियली, और इनिशियली हमारा जो आर पॉइंट है वो भी यहीं पर ही होगा। अच्छा, अब हम इसको देखेंगे कि इसको ऐड करने से हमारे पास टारगेट के इक्वल आता है कि नहीं आता। अगर नहीं आता ठीक है, हमारे पास वैल्यू इनिशियली जो 2 आ गई, उसके बाद हम अपने आर को उठाएंगे और एक स्टेप आगे ले जाएंगे, आर हमारा यहाँ पर आ जाएगा 3 के ऊपर। उसके बाद हम 2 को और 3 को इन दोनों को ऐड करेंगे और चेक करेंगे कि टारगेट के इक्वल या ग्रेटर देन है कि नहीं है। तो ये अभी भी नहीं है, तो हम इसको आर को यहाँ से उठाएंगे और एक स्टेप आगे ले जाएंगे, 1 के ऊपर ले जाएंगे। अब हम 1 को भी ऐड करेंगे हमारे जो प्रीवियस सम है उसके साथ, 2 और 3 के साथ। तो अगर मैं 2, 3, 5 और +1 सीख जाएगा, तो मैं यहाँ पर लेट्स सपोज एक वेरिएबल ले लेता हूँ सम नाम का, मैं तो ऐसे डिनोट कर देता हूँ, तो इच इज इक्वल टू 6 है यहाँ तक। अच्छा, तो मैं अब इसको कंपेयर करूँगा अपने टारगेट वैल्यू के साथ, तो ये उससे अभी भी लेस है, तो मैं अपना जो राइट पॉइंटर है उसको यहाँ से उठाकर एक स्टेप मजीद आगे ले जाऊँगा। अब मेरे पास आर पर क्या वैल्यू है, मेरे पास आर पर वैल्यू है 2, तो मैं अपने 2 को अपने प्रीवियस सम के अंदर ऐड करूँगा, तो मैं 6 + 2 करूंगा तो मेरे पास जो तो नया सम आएगा वो आएगा 8। अच्छा, अब मैं 8 को देखूंगा कि क्या ये मेरा जो सम आया है ये मेरे टारगेट से बड़ा या इक्वल है, तो यस इट इज ग्रेटर देन माय टारगेट, तो इसका मतलब है मुझे एक सब रे मिल गई है। तो मैं अब इसकी लेंथ को काउंट करूंगा, जैसे तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ लेंथ नाम से, तो उसके अंदर मैं अपने इसकी लेंथ को काउंट करूं, तो इसकी जो लेंथ है वो मेरे पास आई है 4। अच्छा, अब लेंथ 4 जब आ गई तो उसके बाद मैं अपने सो अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं यहाँ पर एक साथ मजीद आगे जाऊंगा, आर को देखूंगा, और यहाँ पर मैं अपनी अब विंडो का साइज भी देखूंगा कि अच्छा मेरा जो लेफ्ट पॉइंटर है, जब मुझे अपनी एक सब अरे मिल जाएगी जो मेरे टारगेट के इक्वल होगी, तो उसके बाद सब अरे मिलने के बाद मैंने उसकी लेंथ को भी काउंट कर लिया कि अच्छा मुझे एक लेंथ भी मिल गई है, मुझे एक सब अरे मिल गई है, उसको मिलने के बाद देन मैं अपना जो लेफ्ट पॉइंटर है मैं उसको मूव करूंगा नेक्स्ट, कि अच्छा मुझे एक तो सब अरे मिल गई है, अब मैं इसको नेक्स्ट मूव करता हूँ तो मुझे नई सब अरे को फाइंड करना है। अच्छा, अगर इसको करने के बाद मेरा फिर लेफ्ट पॉइंटर जहाँ पर आ जाएगा एक स्टेप आगे, फिर मैं इनमें से देखूंगा कि क्या इनको ऐड करने से मेरे टारगेट के इक्वल वैल्यू आती है कि नहीं, तो इसको करने से भी अगर मेरे पास आती है तो मैं उसकी लेंथ को भी देखूंगा कि अच्छा अब जो मुझे नई सब अरे मिली है उसकी लेंथ, और जो मैंने प्रीवियस अपनी सब अरे काउंट की थी उसकी लेंथ को देखूंगा कि उनमें से मिनिमम लेंथ किसकी है। तो अगर तो मुझे नई इसकी लेंथ मिनिमम आ गई, लेंथ सपोज के इसकी जो लेंथ पहले 4 थी, तो अगली बार जो मुझे सम किया तो मुझे उसकी लेंथ मिल गई है 3, तो मैं अपने 3 को अपने लेंथ को अपडेट कर दूंगा 3 के साथ। अच्छा, इसी तरह फिर मैं आगे आर को मूव करूंगा एक स्टेप मजीद फर्दर आगे मूव करूंगा, और मैं अपने एल को भी एक स्टेप आगे मूव करूंगा, और मैं फिर एक नई सब अरे के अंदर देखूंगा। उसी तरह फिर मैं अपने एल को मूव करता जाऊंगा, क्योंकि आर जो मेरा है वो मेरा एट द एंड पहुंच गया, तो मैं इसको आगे फर्दर मूव नहीं कर सकता क्योंकि ये आउट ऑफ इंडेक्स हो जाएगा। तो इसी तरह मैं ईच एंड एवरी टाइम अपने लेफ्ट पॉइंटर को फिर आगे मूव करता रहूंगा यहाँ पर, तो फिर जब मेरा लेफ्ट पॉइंटर जब 4 पर आएगा तो मैं 4 और 3 को देखूंगा,
कि इन दोनों को ऐड करने से मेरे पास मेरा टारगेट की इक्वल वैल्यू आ गई है, तो फिर मैं उसकी लेंथ को काउंट करूंगा। तो उसकी लेंथ मेरे पास अगर लेट्स सपोज कि इनिशियली लेंथ थी 3, और 4 और 3 को ऐड करने से मेरे पास तो उसकी लेंथ है वो आती है 2। तो मेरे पास एक नई मिनिमम लेंथ आ गई, तो मैं अपनी मिनिमम लेंथ को अपडेट कर दूंगा 2 पर, और एट द एंड मैं जो है 2 को रिटर्न कर दूंगा। अच्छा, अगर तो मुझे मिल जाती है तो ठीक है, अगर मुझे अपनी वैल्यूज को सम कर कर मेरे टारगेट के इक्वल नहीं आती, तो मैं उसको एट द एंड जो है वो 0 रिटर्न कर दूंगा। तो एक क्वेश्चन सबको क्लियर है और अप्रोच भी क्लियर है, एक क्वेश्चन किस तरह होगा। यस सर, क्लियर है किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो, किसी को भी अगर कोई कंफ्यूजन सर। लेफ्ट को एक हो, दफा ये मैं करता हूँ एक्सप्लेन। अच्छा, इनिशियली अगर मेरा लेफ्ट यहाँ पर है और मेरा राइट भी यहीं पर ही है, अच्छा मैंने इसको काउंट किया, फिर मैंने अपने राइट को आगे मूव किया और इस दोनों की वैल्यू को ऐड किया, उसके बाद मैंने फिर अगेन अपने आर को आगे मूव किया और मैंने इसको काउंट किया, और अपने साथ टारगेट के साथ उसको मैं मैच भी कर रहा हूँ। अगेन फिर मैं उसको देखूंगा कि तो मुझे यहाँ पर आकर मुझे मेरी एक सब एरे मिलती है कि जो मेरे टारगेट के इक्वल आ रही है, इसको जब मैं अपनी सब एरे मिलेगी तो मैं इसकी लेंथ को काउंट कर लूंगा, और जब मुझे सब एरे मिल जाएगी तो उसके बाद फिर मैं अपने जो लेफ्ट पॉइंटर उसको मैं अपडेट करूंगा। हार्ट तो मेरा आगे मूव हो ही रहा है, फिर मैं अपने लेफ्ट को मूव करूंगा कि अच्छा अब ये एक सब एरे होगी, अब मैंने इस सब एरे में देखना इसके आगे जो सब एरे था देख। अच्छा, इसको क्लियर कर। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे इसमें मैंने देखा था, अब मैं इसको यहाँ आगे देखूंगा, इसमें देखूंगा इन दोनों में, फिर अगर नहीं मिला तो मैं यहाँ देखूंगा, अगर यहाँ भी नहीं मिला फिर मैं यहाँ अगेन देखूंगा। अच्छा, अब मुझे एक नई सब एरे मिल गई है यहाँ से लेकर यहाँ तक रेस्पॉन्स का, जिसकी वैल्यू टारगेट से ऊपर है, तो मैं फिर इसकी लेंथ को भी काउंट करूंगा, और फिर इसके बाद मैं अगेन अपने एल को अपडेट कर कर आगे ले आऊंगा, और फिर इन दोनों को कंपेयर करूंगा, और फिर इसको 4 के साथ भी ऐड करके देखूंगा। तो इस तरह मैं ईच एंड एवरी टाइम जब मुझे सब अरे मिल जाएगी तो मैं अपने अरे को लेफ्ट पॉइंटर को सॉरी अपडेट करूंगा, और ईच एंड एवरी टाइम मैं एक नई सब अरे को देखूंगा। क्लियर है आपको कि हम पॉइंटर को किस तरह मूव कर रहे हैं। सर, पहली जो सब रे आपने बनाई थी 2 3 1 और 2 b, ये तो 8 बन रहा है, ये ग्रेटर देन टारगेट हो रहा है। हाँ, तो हम ग्रेटर देन और इक्वल भी कर सकते हैं ना, तो कर सकते हैं, लेस देन ही करना। ओके 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 अच्छा, तो उस कोड की तरफ चलते हैं फिर हम। सबको क्लियर है। अच्छा, सबसे पहले सपोज कि मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, मिनिमम लेना है तो मिनिमम ले लेते हैं। अच्छा, सो इसके बाद मैं अपना एक लेफ्ट पॉइंटर ले लेता हूँ, और मैं एक अपना ले लेता हूँ टोटल, जो कि मेरी एक सब अरे को काउंट करेगा, और दोनों इनिशियली होंगे 0 पर। उसके बाद मैं अपना सेकंड फॉर लूप लेता हूँ, जो कि मेरा आर पॉइंटर होगा, मेरा चलेगा नम्स के ऊपर। अच्छा, उसके बाद मैं अपने टोटल के अंदर इसको ईच वैल्यू को काउंट करता रहूंगा, तो उसके बाद मैं देखूंगा कि जब तक मेरा
मेरी आवाज आ रही है? मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया जी सर, आ रही है अब आपकी आवाज। था, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? यस सर, यस सर। ऑलराइट। सो अच्छा, हम थे कि यहाँ पर हम चेक करेंगे ईच टाइम। अच्छा, यहाँ पर काउंट कर लेंगे इसको, ईच टाइम जो भी इंडेक्स पेपर हमारे पास जो वैल्यूज पड़ी हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखेंगे इसके बाद के हमारे पास जो है हमारा जो टोटल आया, वो हमारे अगर टारगेट से ऊपर चला गया टारगेट से, अच्छा ग्रेटर देन और इक्वल भी कर लेते हैं, तो अपने दोनों को चेक करना है। अच्छा, तो उसके बाद हमने करना है कि हमारे मिनिमम को अपडेट करेंगे कि हमें हमारी एक सबरे मिल गई है, तो अब हमने अपने मिनिमम को अपडेट करना है, और उसके बाद हमने अपने लेफ्ट पॉइंटर को आगे मूव करना है। तो लेफ्ट पॉइंटर को पहले आगे मूव करने से पहले हम उसकी जो लेंथ है उसको काउंट कर लेंगे। तो हम अपने मिनिमम को करेंगे कि मिनिमम लेना है मिनिमम का इटसेल्फ, और मेरे पास जो विंडो आई है वो है R-L+1। अच्छा, मिनिमम लेने के बाद फिर मुझे, जब मैं मिनिमम लूंगा तो उसके बाद मैंने अपने सर वो इंडेक्स को इक्वल है, का साइन लग गया। +1 R। अच्छा, अब उसके बाद जब मैं अपना मिनिमम ले लूंगा यहाँ से, लेफ्ट के यहाँ तक मैंने मिनिमम लिया, अब मैंने अपने लेफ्ट पॉइंटर को आगे मूव करना है, तो मुझे अपना जो मैं आगे आऊँगा तो मुझे अपनी इस वैल्यू को भी अपनी टोटल में से रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक स्टेप आगे अपना पॉइंटर को मूव कर दिया, तो मैं अपनी इस प्रीवियस वैल्यू को भी जो है वो माइनस करूंगा अपने टोटल में से। तो मैं टोटल में से माइनस करूंगा नम्स ऑफ एल को, और उसके बाद मैं अपने एल पॉइंटर को फर्स्ट वन टाइम इंक्रीमेंट करूंगा। अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर है सब? उसके बाद मैंने आउट एंड रिटर्न भी करना है अपने मिनिमम को। इफ अगर तो मेरा मिनिमम जो है वो नॉट इक्वल टू है मेरी फ्लोटिंग वैल्यू से, एल्स मैं 0 रिटर्न कर दूंगा। सो आई थॉट, अच्छा मैं रन करके देख लेता हूँ। सर एल कैपिटल में आ गया। एल स्मॉल आएगा। अच्छा, ये सबमिट भी होगा। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन हो या किसी को समझ ना आई हो कोड में, अगर किसी को कोई मसला हो तो पूछ ले काइंडली। सर एक दफा रिपीट कर दें। अच्छा ठीक है, मैं समराइज कर देता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन में हमें यहाँ गिवन था कि हमने एक मिनिमम सब अरे निकालनी है हमारी गिवन अरे में से, और सब अरे क्या करेगी कि अगर हम सब अरे कि वैल्यूज को सम करें तो हमारे टारगेट से बढ़ी है उसके इक्वल आ जाए। तो हमारे पास यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास इसको निकालने के दो तरीके थे, एक तो हम फॉर लूप यूज़ कर लेते 2 टाइम्स, एक हमारा जो यहाँ पर चलता और एक हमारा जो है सेकेंड पॉइंटर होता, और ईच एंड एवरी टाइम हम हर वैल्यूज को ऐड करके देखते, 2 को 3 के साथ करते, फिर 2 को 1 के साथ, 3 के साथ, 1 के साथ अगेन करते, फिर इस सारे को अगेन एंड अगेन करते, तो वो काफ़ी जो है टाइम कम्प्लेक्सिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी, बिग ऑफ एन स्क्वेयर में चली जाएगी। उसको करने का आसान तरीका यही है कि आप स्लाइडिंग विंडो को यूज़ कर सकते हैं,
उसमें भी आप 2 पॉइंट्स ले सकते हैं और उसको आप लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के थ्रू भी कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें हमने ऐसे किया है कि सबसे पहले तो हमने हमारी एक, क्योंकि हमने मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया मिनिमम। अच्छा, उसमें कोई मुझे ये बताएगा कि मैंने जो वैल्यू ली है वो इनफाइनाइट क्यों ली है अपने मिनिमम वेरिएबल के अंदर, बिकॉज हमारे पास जो कोई बताना इन्फिनिटी चाहेंगे? में सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास इन्फिनिटी होती है, तो हम इधर मिनिमम निकालना चाह रहे हैं। हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो इन्फिनिटी से कम ही आएगी, इसलिए। एग्जैक्टली, क्योंकि हमने मिनिमम निकालना है, तो मेरे पास सबसे पहले मेरे पास की वैल्यू नहीं है। अच्छा, जब मैं सबसे पहले यहाँ पर कंपेयर करूँगा तो मुझे मेरी की मिनिमम वैल्यू चाहिए कि अच्छा मैंने वैल्यू को अपनी कम करना है, तो कम कहाँ से करना है, मेरे पास तो इनिशियली की वैल्यू ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं सबसे बड़ी वैल्यू रख दूंगा कि अच्छा मेरे पास ना यहाँ पर लैस फोर्स के इनफाइनाइट, मेरे पास लैस फोर्स के 100 वैल्यू है, और मेरे पास जो नई वैल्यू आई है वो लैस फोर्स आई है 2। तो अब मैं 2 को कंपेयर कर सकता हूँ अपने 100 के साथ, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर अपनी जो मैक्स मिनिमम वैल्यू है सबसे पहले ली है इनफाइनाइट, और मेरे पास एक बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो उसके बाद 2 वेरिएबल्स ले लिए, एक तो ले लिया लेफ्ट पर पॉइंटर जो है, और दूसरा जो है टोटल। अब टोटल क्या करेगा, वो मेरा काउंट करेगा हब जितनी भी सब अरेज आएंगी उस सब अरेज की लेंथ को। अच्छा, उसके बाद मेरा राइट पॉइंटर आ गया, तो ईच टाइम इनिशियली जब मैं चलूंगा तो मेरा लेफ्ट यहाँ पर है और जो मेरा राइट है वो भी मेरा यहीं पर ही है। अच्छा, अब मेरे पास वैल्यू क्या पड़ी है, वो है 2, और मैं 2 को अपने इस टोटल के अंदर ऐड कर दिया। अच्छा, उसके बाद मेरा आर पॉइंटर दोबारा चलेगा फॉर लूप, तो मेरा आर यहाँ पर आ जाएगा। मैंने 2 को और 3 को, इन दोनों को, 2 तो मेरा पहले ही ऐड था, तो मैंने 3 को भी अपने टोटल के अंदर ऐड कर दिया, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 5, तो मेरा टोटल सम है इसके अंदर। अच्छा, अब दोबारा मेरा आर चलेगा, तो आर मेरा 1 पर आ जाएगा, तो मैंने 1 को भी इसमें ऐड किया, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 6। ठीक है, अब आर फिर मेरा अगेन चलेगा, और चाहो साथ साथ मैं अपना इसको चेक भी कंडीशन को करता जाऊंगा कि मेरा जो टोटल है वो मेरा मैच हो गया है मेरे टारगेट वैल्यू से कि नहीं। तो इस टाइम तक तो मैच नहीं हुआ, तो मेरा आर लूप जो फॉर लूप है वो चलता रहेगा आर के ऊपर, तो आर मेरा अगेन फिर आगे जाएगा 2 के ऊपर। अब 6 पहले मेरी थी वैल्यू, उसमें 2 को मैंने ऐड किया, तो मेरे पास आ गया यहाँ पर 8। अच्छा, अब 8 को वो जब यहाँ पर चेक करेगा, यहाँ पर आपको टोटल में मेरे पास वैल्यू आ गई 8, वो इसको चेक करेगा क्या ये टारगेट से बड़ी और इक्वल है, तो हाँ ये टारगेट से बड़ी है और इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे अपनी एक सफर मिल गई है। तो अब मुझे इसकी लेंथ को काउंट करना है, तो मैंने मिनिमम लेंथ काउंट करनी है, तो मैंने यहाँ पर मिनिमम लिया। अच्छा, मैंने यहाँ पर लिया मिनिमम को और अपने इस विंडो के साइज को जो कि मुझे यहाँ गिवन है, R-L+1 करें तो हमें विंडो की लेंथ आ जाती है। इन दोनों में से जो भी मेरे पास मिनिमम वैल्यू होगी वो आ जाएगी, तो यहाँ पर मेरे पास मिनिमम जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4, तो मेरा जो मिनिमम है वो अपडेट होगा 4 हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे एक सब अरे मिल गई, अब मैंने अपने लेफ्ट पॉइंटर को यहाँ 2 से उठाकर एक स्टेप आगे लेकर आना है। अच्छा, मुझे अपना एक सब अरे मिल गई, अब मैंने अगली सब अरे को देखना है, तो उसको उठाने से पहले जो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू थी जो कि थी 2, उस 2 को मुझे अपने टोटल में से माइनस भी करना पड़ेगा कि अच्छा मैंने एक स्टेप आगे पॉइंटर मूव कर दिया, अब पिछली वैल्यू को रिमूव कर दो। तो मैं पहले उसको यहाँ से रिमूव करूँगा टोटल में से, रिमूव करने के बाद देन मैं उसको एल को एक टाइम जो है वो इंक्रीमेंट कर दूंगा, तो एल जो मेरा है वो 3 से यहाँ पर, 2 से यहाँ पर 3 पर आ गया। यहाँ तक तो क्लियर है सबको कोड कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है? यस सर, जी किसी सर। का कोई क्वेश्चन हो तो? अच्छा, अब एल मेरा यहाँ पर है और आर जो था वो मेरा था यहाँ पर, तो आर जो है वो मेरा एक स्टेप आगे चला जाएगा 4 पर, और एल जो है वो मेरा 3 है, तो ये इसकी वैल्यू को अब 4 को भी काउंट करेगा, जो मेरे प्रीवियस जो मेरा सम था वो था 8,
8 में से मैंने अपने इस 2 को जो है उसको मैं मैंने मैंने माइनस कर दिया था, तो ये मेरा अगेन हो गया था 6। ठीक है, अब जब मेरा फॉर लूप दोबारा चलेगा तो मेरा आगे एक स्टेप चला जाएगा, वो आएगा 4 के ऊपर, तो 6 + 4 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 10। तो मैं अपने फिर 10 को अब देखूंगा कि अच्छा अगर जो मेरा टोटल अब हुआ है वो मेरा टारगेट से बड़ा है, तो हाँ वो मेरे टारगेट से बड़ा है। तो फिर अगेन मैं उसकी लेंथ को काउंट करूंगा कि अच्छा अब मुझे एक नई नई सब अरे मिल गई है, तो इसकी लेंथ अब क्या है, तो अगर मैं इसकी लेंथ देखूँ तो इसकी लेंथ भी 4 ही है, तो ये मेरा मिनिमम जो है वो 4 ही रहेगा। अच्छा उसके बाद फिर मैं अगेन अपने लेफ्ट पॉइंट को जब अब मूव करना है तो मैं लेफ्ट को एक स्टेप आगे मूव करूंगा, पहले उसकी वैल्यू को माइनस करूंगा फिर मैं उसको एक स्टेप आगे मूव करूंगा, तो मेरा जो 10 था पहले अब मेरा वो -3 करूंगा तो वो 7 पर आ जाएगा, और मेरा अगेन चलेगा 3 तो उसमें 3 भी काउंट होगा, तो मेरे पास अब एक नई सफरे आ गई, वो आ गई है ये वाली, इसमें 1 2 4, इसको मैं अगर ऐड करूं तो 4 और 2 जो 6 है और 6 + 1 7 है, तो इसको भी करने से मेरा जो सम है वो मेरे टारगेट के इक्वल आता है 7 के। तो बजाय इसके कि मैं पहले अपने आर को आगे इंक्रीमेंट करूं 3 के ऊपर, उससे पहले ही मुझे मेरा सम मिल गया एक नई सब अरे का, और उसकी जो लेंथ है वो है 3। 1 को ऐड करूंगा 2 के साथ, 1 2 और 4 को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास एक नई सब अरे आ गई 3। तो ये इसको व्हाइल लूप मैंने इसीलिए ही लगाया कि ये तब तक चलता रहेगा कि जब तक मुझे सब अरे मिलती रहेगी। अब मुझे जो पहले सब अरे मिली थी उसकी लेंथ थी 4। ठीक है, अब मेरे आर पॉइंटर को आगे मूव करने से पहले ही मुझे एक और सब अरे मिल गई है मेरे लेफ्ट पॉइंटर को आगे मूव करने से, जो कि है ये 3 की विंडो, 1 2 एंड 4 की। तो इसलिए मैं पहले इसको भी काउंट करूंगा, इसका भी मिनिमम निकालूंगा, अगर निकलता होगा देन मैं अपने आर पॉइंटर को आगे 3 पर मूव करूंगा। तो व्हाइल लूप जो है ये तब तक चलता रहेगा जब तक मुझे मेरी नई सब अरे मिलती रहेंगी। तो इस कंडीशन में हमारे पास एक नई सब अरे आई है जिसकी जो लेंथ है वो है 3, तो मिनिमम जो मेरा है वो 4 से अपडेट होकर 3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। उसके बाद देन फिर मैं अपने टोटल में से एल को माइनस करूंगा, और उसके बाद मैं अपने एल को अपडेट करूंगा, और फिर अगेन मेरा एल जो है वो यहाँ पर 2 पर आ जाएगा, 7 में से मैं 1 माइनस करूंगा तो ये 6 हो जाएगा। अच्छा 6 में से अब मैं अपने देखूंगा कि अच्छा 2 + 4 6 है, तो 6 मेरा टारगेट से लेस ही है, देन फिर व्हाइल लूप जो है वो टर्मिनेट कर देगा, फिर ये दोबारा फॉर लूप चलेगा, और जो मेरी आखिरी वैल्यू है 3 है इसको पिक करेगा और इसको काउंट करेगा, तो 6 में से अगर मैं 3 काउंट प्लस करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 9। तो अब ये 9 को जो है उसको प्लस करके देखेगा तो वो मेरे टारगेट से इक्वल है, तो मुझे एक नई सब अरे मिल गई है, तो इसकी लेंथ भी मैं काउंट करूंगा, इसकी लेंथ भी 3 है तो ये 3 ही रहेगी। अच्छा इसके बाद अब मैं इसको थोड़ा क्लियर कर दूँ, मैं अब अपने इसको लेफ्ट पॉइंटर को आगे मूव करूंगा तो 9 में से 2 माइनस किया तो अगेन ये आई थिंक सो के 7 नहीं आते, अच्छा 7 आ गया, तो मेरा लेफ्ट पॉइंटर जो है वो यहाँ पर आ गया। अच्छा अब मैं अपनी इस वैल्यूज को कंपेयर करूंगा कि क्या इन दोनों वैल्यूज को ऐड करने से मेरे टारगेट के पास आता है कि नहीं आता, तो अगर तो वो आ रहा है तो मैं फिर इसकी भी सपेरे की जांच निकालूंगा, जो कि इस दफा जो मेरे पास आएगी वो आएगी 2, तो पीछे दो मेरी जो पहली थी लेंथ वो थी 3, तो ये मिनिमम अपडेट होकर मेरे पास मेरी जो लेंथ है वो नहीं आ जाएगी 2 की। उसके बाद जब मैं अगेन अपने पॉइंटर को मूव करूंगा तो ये आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, तो मेरा जो फॉर लूप है वो भी टर्मिनेट कर जाएगा, ये मजीद वर्क नहीं करेगा, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। अच्छा अब यहाँ पर क्या चेक करें कि मिनिमम को रिटर्न करना है, क्योंकि हमने अपनी मिनिमम वैल्यू को काउंट किया, रिटर्न तब करना है कि जब हमारे पास कोई मिनिमम आई हो, लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई जैसे ना कि ये एग्जांपल नंबर 3 के अंदर है कि हमने अगर अपनी सारी वैल्यूज को ऐड भी कर लिया है, 1 मिनट, अच्छा मैं इसको थोड़ा क्लीन कर,
हाँ, यहाँ पर अब मैंने अपने जितनी भी वैल्यूज हैं सबको ऐड भी कर लूँ तो मेरे पास मेरा जो टारगेट है वो नहीं आता, तो मेरा जो मिनिमम है वो मेरा अपडेट ही नहीं होगा, वो वैसे ही रहेगा। तो अगर तो मेरा मिनिमम वो नहीं रहता, इफ़ मिनिमम नॉट इक्वल टू इस इनिशियल वैल्यू, तो इसका मतलब ये है कि मुझे मेरा एक नई सफरे मिली है और मुझे वैल्यू जो है वो मिनिमम हो गई है, तब मैं रिटर्न कर दूंगा अपने मिनिमम को। अगर नहीं तो उसका मतलब है कि मैंने जीरो को रिटर्न करना है, तो अगर मुझे कोई भी नहीं मिली तो मैं जीरो को रिटर्न करूंगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर मैंने जीरो को रिटर्न किया। तो इस तरह जो है वो हमारा कोर्स चल रहा है। सो सबको क्लियर है, अगर जी सर, किसी को समझ ना आई हो। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन हो इसमें? तो सबको क्लियर है, तो हमारे पास टाइम कम है, तो अगला क्वेश्चन आई डोंट थिंक सो के होगा, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट्स बचे हैं। तो अगर किसी का भी क्वेश्चन है तो वो काइंडली पूछ ले, या कोई जनरल का क्वेश्चन है किसी का। सर मिनिमम को हम फ्लोट क्यों ले रहे हैं, इसको इंटीजर नहीं ले सकते? पाइथन में वो अगर हम इसको ऐसे लेंगे तो पाइथन में अलाउ नहीं है, इसको ऐसे ही इनफाइनाइट लेना, तो उसको लेने के लिए हमको साथ हमें साथ फ्लोट लिखना पड़ता है। ओके सर। किसी और का क्वेश्चन हो गया? अच्छा, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम सेशन को एंड करते हैं, सर जी, या चैट किसी का में कोई एक क्वेश्चन आया है, इसे देखना। सर चैट में एक क्वेश्चन आया है। अच्छा और मैं देख लूँ डिटेल। सर हाउ कैन वी फाइंड स्टार रेटिंग ऑन लीडबोर्ड? अच्छा, स्टार रेटिंग से आपकी आपकी क्या मुराद है, आप स्पेसिफाई कर सकते हैं? सर आई थिंक ये वो वाली रेटिंग ना कह रहे हो जिसमें एक साइड पे आ रहा होता है कि आप 50 लाख नंबर पे हैं, और जैसे जैसे 60 सॉल्व होती जाती हैं तो वो डिजीज का हो जाता है शायद। और वो ऐसी है कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं तो अपनी कंट्री के अंदर आप उस क्वेश्चन के बेस के ऊपर जितने क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए तो आपके वो जो स्कोर है वो अपडेट होता रहता है, तो आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि आपने कितने क्वेश्चन सबमिट किए हुए हैं, तो जैसे जैसे आप सबमिट करते जाएंगे वो आपके जो रेटिंग है वो बढ़ती जाएगी। किसी और का कोई क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जो ये हर सोल्यूशन की एक टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी होती है, तो कोई लॉग में आ रहा होता है या कोई स्केयर में, तो क्या ये एक डिफरेंट लाइक टॉपिक है जिसको पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा या इसके साथ लाइक समझ में आ जाएगा? अगर आपको बेसिक्स पता है ना कि स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है तो वो आपके लिए इनफ है, उसके बाद जब आप क्वेश्चन करते हैं ना तो हर क्वेश्चन का स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तो जब आप क्वेश्चन करते रहते हैं तो आप हर क्वेश्चन के ऊपर रोजाना ही आप स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हैं, तो वो आपको अपने आप चीज़ें समझ आने शुरू हो जाती है। अब जैसे कि इस क्वेश्चन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, अब अगर मैं इसको दो फॉर लूप यूज़ करता और मैं अगर ब्रूट फोर्स अप्रोच को यूज़ करता, स्लाइडिंग विंडो का ना यूज़ करूँ, तो मेरे पास जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो एन स्क्वायर में आएगी। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक फॉर लूप यूज़ कर रहा हूँ
और एक पॉइंटर यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं एक स्लाइडिंग विंडो की टेक्निक को यूज़ कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से मुझे एक फॉर लूप कम लगाना पड़ा, तो मेरी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो एम स्क्वेयर से कम होकर लीनियर में आ गई है, बिग ऑफ एंड में आ गई, तो इस तरह जो है वो मेरी जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो कम हो गई है। और इसी तरह अगर इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो हमारे पास कॉन्स्टेंट है, क्योंकि हमने कोई नई अरे नहीं बनाई, कोई नया डेटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं किया अपनी वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। सो बेसिक अगर आपको पता है, तो आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिकली करने शुरू कर देते हैं तो आपको फिर हर क्वेश्चन में चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि अच्छा इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या है और टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है। ओके सर, थैंक यू सो मच। सो किसी और का भी क्वेश्चन सर, लीड कोड के प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए आप कोई टिप्स वगैरह दे सकते हैं सर? वो एक क्वेश्चन पे बंदा स्टक हो जाता तो वो सारा दिन भी उस पे निकल जाता, सोच सोच के फिर एट द एंड सोल्यूशन देखना पड़ता है अक्सर। इसका ऐसे है कि अगर तो आपने अब तक कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं अभी तक सर आपने? अभी तो मैंने 6 किए हैं, 6 किए हैं। अच्छा, तो जब मैंने स्टार्ट की थी तो मुझे सर जफर ने यही कहा था कि जब तक आपने 200 क्वेश्चन देखा नहीं ना किए तो आपको कोडिंग नहीं आएगी, आपकी जो माइंड है वो आपका तब तक ट्रेन ही नहीं होगा। तो जो पहले आपके 200 क्वेश्चन है ना वो आपने देख कर ही करने हैं।